Hey Junta, welcome back to Vedantu's new channel. है ना, चैनल का नाम है कॉम्बो. तो अगर तुम लोग आ गए हो और मेरी आवाज तुम्हें आ रही है तो फटाफट से स्टार्ट मेकिंग सम नॉइज इन द चैट बॉक्स एज ऑलवेज. जल्दी 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 टेल मी दैट यू आर प्रेजेंट. अगर तुम लोग हो प्रेजेंट, क्लास में आ गए हो तो अटेंडेंस मार्क करना मत भूलना. जल्दी 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 स्टार्ट राइटिंग हां जी इन द चैट बॉक्स एवरीवन. ओके सो हेलो जनता, गुड आफ्टरनून, वेलकम 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 टू द न्यू चैनल. है ना, इसको न्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यार चैनल की पूरी फील ही बदल दी हमने, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए. है ना, तो बिल्कुल वैसी ही कुछ सिचुएशन हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किए, पर हमने अच्छे सेंस में किया है ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन के फॉर्म में चैनल पे आ जाएं. और चैनल का नाम है कॉम्बो, और मैं कौन हूँ? मोगैम्बो. है ना, तो आई एम मोगैम्बो ऑन दिस चैनल विच इज़ कॉम्बो. है ना, तो वेदांतु का नया चैनल है, पर हाँ इतना नया नहीं है. ऑलरेडी देख रहे होंगे कि 800,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं चैनल के ऊपर. तो ये एक्चुअली वी मैथ चैनल का नया नाम है. आई होप दैट कि अभी तुम वी मैथ सर्च करते हो तो तुम्हें ये नया चैनल लोगो दिखता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है. बाकी लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ाते चलना है. ओके एवरीबॉडी, तो आज हम लोग मिले हैं वापस से और कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं. लेक्चर नंबर 4, 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चैप्टर का नाम. तो आई होप दैट सभी लोग आ गए हैं. अगर आ गए हो तो फटाफट से चैट बॉक्स पे हाँ जी लिखना है, अपने वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है और सेशन में एनर्जी को मेंटेन करना है. राइट, गुड इवनिंग हो गया है क्या? आफ्टरनून है, चलो ठीक है, इवनिंग भी मान लेते हैं, कुछ लोगों के लिए इवनिंग जल्दी होती है. तो जनता शुरू करें. राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करता हूँ. स्पेशली जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर, लेट मी क्विकली गिव यू गाइज माई इंट्रोडक्शन. मेरा नाम है सूरी सर, आई एम अ बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे. और जैसा कि मैंने बोला, दिस इज मी मोगैम्बो ऑन दिस चैनल वेदांतुस कॉम्बो. ठीक है, तो मुझे मोगैम्बो क्यों बुलाते हैं मेरे स्टूडेंट्स? बिकॉज वेन यू गाइज विल बी क्रैकिंग द एग्जामिनेशन ऑफ JEE, नीट, बोर्ड्स, KVPY, जो भी एग्जाम यहाँ पे हम प्रिपेयर करा रहे हैं, तुम वो सारे एग्जाम्स क्रैक करो. बिल्कुल वही मेरी दिल से इच्छा है, उम्मीद है. तो जब तुम ये करोगे तो मोगैम्बो खुश होगा. और ऐसा करने के लिए ऑब्वियसली चैनल पे इतने सारे टीचर्स हैं, इतने सारे लोग बैक एंड पे लगे होते हैं तुम्हारी मदद करने के लिए. तो तुम्हें उन सारी चीज़ों का बेनिफिट मिले, उसका तुम भरपूर फायदा उठा सको, इसके लिए तुम्हें चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना है प्रेस, ताकि जब कभी भी हम लोग आ जाएं चैनल पे तुम्हें मिल जाए नोटिफिकेशन और तुम आ जाओ अत्यंत तुरंत उसी समय चैनल के ऊपर. ओके, तो भाई जनता अगर तुम रेगुलर हो तो तुम्हें मालूम होगा कि हर सेशन में मैं तुम्हें होमवर्क भी देता हूँ. तो पिछले सेशन का ये है होमवर्क क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 3 का घर पे सॉल्व करने वाला होमवर्क क्वेश्चन था ये, जिसमें क्वेश्चन में बताया गया था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि YiCap + XjCap है. द वर्क डन इन मूविंग दिस 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम 2.2 to 4.2 इज गोइंग टू बी हाउ मच, ये हमें पता लगाना था. तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें पता लगाना था कि कितना वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम्ब चार्ज को. ओके, इज दैट क्लियर? या तो इसका पहले करेक्ट आंसर दिखा देता हूँ. करेक्ट आंसर जो है वो 0 है. वर्क F.dr होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स इक्वली होंगे क्योंकि 1 कूलम्ब का चार्ज है. तो QE इज द फोर्स, एंड टू फाइंड आउट द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन QE.dr लिख दिया है. dr को लिख दिया DxiCap + DyJCap. और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो YdX + XdY बनता है, विच इज़ बेसिकली द पार्शियल, विच इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट रूल. है ना, प्रोडक्ट रूल है ये DxY. अगर XY का डिफरेंशिएशन करोगे तो YdX + XdY मिलता है. तो जैसे ही हम उसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे पुट अप करते हैं तो इंटीग्रेशन आएगा XY, लिमिट्स पुट करेंगे तो X की वैल्यू चेंज हो जाएगी बाय अ वैल्यू 4, और बचा हुआ फैक्टर मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट जब यहाँ पुट करोगे तो 4 × 1 एंड 2 × 2 = 4, तो 4 − 4 दैट इज 0. तो इफेक्टिवली कोई वर्क नहीं कर रहा होगा. ओके एवरीवन, दैट्स नाइस, गुड एवरीबॉडी. ओके यार, हम वेक्टर पढ़ेंगे, बिल्कुल सही आंसर दोगे, चलो बहुत बढ़िया. तो यार ये ऑल इन वन बच्चे, तुम्हें मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें शायद वेक्टर्स में डिफ़िकल्टी फेस हो रही है इन जनरल. तो अभी जब हम लोग 12th स्टैंडर्ड, अभी तो हम 12th स्टैंडर्ड के सेशंस में हैं, जब 11th स्टैंडर्ड के सेशन स्टार्ट होंगे, जब 10th के बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएंगे और हम 11th के सेशंस को स्टार्ट करेंगे समवेयर इन द मंथ ऑफ मे, अगले महीने से शुरू करने का प्लान है,
तो बिल्कुल चिंता मत करो, स्टार्टिंग के ही सेशंस में हम वेक्टर्स बहुत डिटेल में बहुत एफिशिएंटली करने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें। अगर तुम्हें फिर भी वेक्टर्स के फिर और भी बेसिक्स चाहिए तो यूट्यूब पे सिर्फ वेक्टर सूरी सर सर्च करना, तुम्हें मेरे सेशंस मिल जाएंगे। सर और कितने सेशंस में चैप्टर खत्म होगा? मानो यार अभी तो चौथा ही है, आई एम श्योर चार तो और आराम से करेंगे हम लोग, ठीक है, चार सेशंस और लेंगे आदित्य। तो जनता स्टार्ट करते हैं, सभी लोग तैयार है? प्लस वन हो जाए जरा चैट बॉक्स पे इफ एवरीबॉडी इज रेडी स्टार्ट करने के लिए, है ना। अरे रे 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 रे, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। हमें 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 चाहिए ये देखना है कि भाई कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था इस क्वेश्चन का, है ना बच्चों। तो आओ वहाँ चलते हैं। तो जनता ये है अपना चैनल, रुको रुको रुको, ये आ गए यूट्यूब पे, है ना। तो देखो वीडियोस पे जाते हैं और जो वीडियो था लेक्चर नंबर 4 है, ये तो अभी चल रहा है, ये है लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम कमेंट्स पे जाते हैं। करेक्ट आंसर था 0, तो आई कैन सी स्वाति रविचंद्रन फ्रॉम कोयम्बटूर, देन वी हैव अरात्रिका फ्रॉम दिल्ली, थैंक यू, एंड वी हैव अखिल भारती ऑफिशियल, अखिल भारती ऑफिशियल, क्या बात है यार, अखिल भारती हो तुम। और ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश से इन्होंने आंसर दिया अखिल ने। शिवराज फ्रॉम गुजरात, आयुष, आयुष ने बोला है कैन वी हैव द लेक्चर इन 1080, यू हैव द लेक्चर इन 1080, यू हैव टू टेक दैट ऑप्शन। देन यू हैव तनिष्क फ्रॉम इंदौर MP, वेल डन। खुशबू फ्रॉम हापुर UP, देवांग पटेल सिर्फ आंसर दिया है, नाम नहीं बताया, ये नहीं बताया कहाँ से है वो। देन वी हैव त्रिशूर से प्रणव, प्रणव फ्रॉम त्रिशूर केरला, वन ऑफ माय फ्रेंड इज फ्रॉम त्रिशूर, हिज नेम इज डेविस मोहन, ओके। देन वी हैव सुखमन ढिल्लो फ्रॉम सिरसा हरियाणा, देन वी हैव ओंकार फ्रॉम महाराष्ट्र, ओके। देन वी हैव के आशीष, आशीष फ्रॉम ब्रह्मपुर ओडिशा, मुंबई से, अरे वायर, मुंबई से ध्रुव पाल, आशीष शर्मा, ओके, कवर्स वुड, प्रखर गुप्ता फ्रॉम वाराणसी, राहुल फ्रॉम चेन्नई, अनुभव 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट फ्रॉम दौड़नगर, ही इज अ रेगुलर स्लॉथ, ही इज बिकमिंग अ रेगुलर, राइट एवरीवन, प्रणव वॉरियर, गुड, सो वेल डन जनता। चलो फिर आ जाएं आगे बढ़ते, आई होप सब लोग तैयार हैं, बाकी जनता को बुला लिया। सर इज दिस चैप्टर रियली इजी या हार्ड? यार ये डिपेंड करता है ये तुम्हें कितना अच्छे से इसकी एफिनिटी आ रही है, अगर तुम्हें सेशंस समझ में आ रहे हैं तो इजी लगेगा, नहीं तो चैलेंजिंग, तो हर फिर चीज़ लगती है बिफोर वी ट्राई इट, ओके जनता। तो चलो भाई स्टार्ट करेंगे, आज का ऑब्जेक्टिव सेट कर देता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल के बारे में, है ना। ऑलरेडी हम लोगों ने चार्जेस के बारे में डिस्कशन कर लिया है, आज का डिस्कशन हमारा डाइपोल्स के ऊपर होने वाला है, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। हाँ तो डाइपोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डिस्कशन करेंगे तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल को पहले डिफाइन करेंगे कि क्या होता है, फिगर यहाँ पीछे दिखाई दे रहा है और तुम्हें एक बेसिक आइडिया केमिस्ट्री से होता भी है। तो हम बात करने वाले हैं डाइपोल के बारे में आज, और उसमें भी दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा सेशन को। पहले डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कितना होता है वो पता लगाएंगे, और फिर इस डाइपोल को प्लेस कर देंगे एक एक्सटर्नल मैग्नेट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फिर वहाँ देखेंगे कि डाइपोल रोटेट होता है या नहीं, ट्रांसलेट करता है या नहीं करता है, आगे जाता है या नहीं जाता है, और कुछ एनर्जी स्टोर करता है कि नहीं करता है, ये सारे डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सर डाइपोल का मीनिंग एक बार और समझाएंगे, पहली बार तो समझाने दो ज़रा, एक बार और तो समझा ही दूंगा। तो बच्चों डाइपोल की शक्ल देख लो, गौर से देखिए इस चेहरे को, है ना, इनके चेहरे बोलते हैं। ये हैं हमारे दो चार्जेस, एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू, दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, और दोनों ही एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में उसे लिखा 2a गया है, मतलब एक्चुअली मैं बोलूं कि ये 10 सेंटीमीटर का गैप है या ये 10 मिलीमीटर का गैप है या फिर ये माइक्रोमीटर्स का गैप है, व्हाटएवर दैट गैप है, उसको सिर्फ हमने 2a से रिप्रेजेंट किया है। क्यों किया है वो थोड़ी देर में अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। या तो हम डिफाइन करते हैं इस डाइपोल अरेंजमेंट के लिए उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने वाली क्वांटिटी एज डाइपोल मोमेंट। तो पहले तो डाइपोल की डेफिनेशन, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल, ठीक है जनता। और डाइपोल मोमेंट जो हम डिफाइन करते हैं वो क्या है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और उस मैग्नीट्यूड को उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। चार्ज का मैग्नीट्यूड, वन ऑफ द चार्ज मैग्नीट्यूड
एंड मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस. ओवरऑल देखोगे तो यार एक डाइपोल न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली, लेकिन किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लो, उसे मल्टीप्लाई कर दो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से, तो तुम्हें मिल रहा होता है इलेक्ट्रिकल डाइपोल का मोमेंट यहाँ पे. ठीक है बच्चों, उसके अलावा अगर ध्यान से देखोगे तो इसका जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का, दैट डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, जो यहां पे हमने रिप्रेजेंट किया गया है. राइट एवरीवन, अब अगर ये डाइपोल मोमेंट है और वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया जाएगा. रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल पी से और ए एक वेक्टर की तरह ट्रीट होने वाला है. तो सबसे पहली बात तो हाँ, नेचर इज वेक्टर, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, उसके अलावा अगर इसकी यूनिट्स की बात करूँ तो यूनिट्स जो हैं वो हो जाएंगे कूलम्ब इनटू मीटर. और अगर डायमेंशंस पता लगाने की कोशिश करें, अरे तो डायमेंशंस हैं बच्चों तुम्हारे सामने, Q जो होता है वो A1T1 है और ये L1 है, तो L1 A1T1 आर द डायमेंशंस ऑफ दिस क्वांटिटी. ठीक है जनता, यूनिट्स भी लिख दिए हैं, वेक्टर क्वांटिटी है वो भी बता दिया है और डायमेंशंस भी तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं. ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे. जैसा कि मैंने बोला कि हम पता लगाना चाहते हैं इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल फील्ड, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे इस डाइपोल को किसी और फील्ड में रखने की. ओके, यस एवरीबॉडी, तो जो ये डाइपोल अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन टू वे है, हम पता लगाना चाहते हैं सबसे पहले वाली सिचुएशन में इसकी एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट आ जाए. इसकी एक्सिस का मतलब क्या है, ये जिस लाइन पे रखा हुआ है ना बच्चों, अगर उस लाइन पे कोई पॉइंट हम डिफाइन कर दें, लेट्स कॉल दैट पॉइंट टू बी से ए पॉइंट डिफाइन कर देते हैं उसे. एक पॉइंट है उसकी एक्सिस पे, उसे ए डिफाइन कर दिया, हम वहां पता लगाना चाहते हैं कि कितना डाइपोल मोमेंट, हाँ डाइपोल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होगा. बहुत बढ़िया, तो अब पहले एक मिस्ट्री सॉल्व करता हूँ कि हमने इस लेंथ को टू वे क्यों डिफाइन किया. इसलिए डिफाइन किया बच्चों कि हम सारे मेजरमेंट्स जो लेंगे वो हमेशा डाइपोल के सेंटर से लेंगे, सारे मेजरमेंट्स डाइपोल के सेंटर से लेंगे. अगर ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों चार्जेस का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लिखने में आसानी होगी, इसीलिए डिस्टेंस को टू ए डिफाइन किया गया था. ठीक है एवरीबॉडी, कूल है. डाइपोल का मतलब पूछ रहे हो, डाई मतलब टू, पोल मतलब पोलैरिटीज, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें दो पोलैरिटीज हो, और वो दोनों पोलैरिटीज क्या हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इसीलिए इसे एक डाइपोल कहते हैं. यूजुअली तुम्हारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर जैसे मॉलिक्यूल हैं, NH3 एक मॉलिक्यूल है, अमोनिया, वाटर, हम बोलते हैं कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है ना एवरीवन. O पे -2 चार्ज होता है, यहाँ हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है ना, तो इनके बीच में एक डाइपोल मोमेंट क्रिएटेड होता है, ये डाइपोल्स की तरह बिहेव करते हैं. आ गई बात समझ में, तो ये होते हैं डाइपोल्स, उनका हम अरेंजमेंट डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वो इवेंचुअली मॉलिक्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में कैसे बिहेव करेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फिजिक्स समझनी है उसके पीछे. ओके यस एवरीबॉडी, सो जनता वी हैव अ पॉइंट ए, वी हैव सेंटर ऑफ द डाइपोल जहां से हमने आर डिस्टेंस पे उस पॉइंट को डिफाइन किया. बेनिफिट ऑफ डिफाइनिंग दिस फ्रॉम सेंटर क्या हुआ कि दोनों चार्जेस का डिस्टेंस ए हो गया. अब तुम खुद नोटिस कर सकते हो कि ये जो चार्ज है स्मॉल प्लस क्यू चार्ज, उसका डिस्टेंस हो गया आर माइनस ए इस पॉइंट से. मैं पता लगाना चाहता हूँ इलेक्ट्रिकल डाइपोल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट पॉइंट ए. तो देख सकते हो ये आर है, ये ए है, तो ये आर माइनस ए डिस्टेंस हो गया. और उसके अलावा इस पॉइंट का डिस्टेंस लिखोगे तो आर प्लस ए हो जाएगा. आई होप सबको समझ में आ रहा है, आर प्लस ए डिस्टेंस, +1 हो जाए चार्ट बॉक्स पे. राइट ऑल ऑफ यू गाइस, समझ में आ गई बात. नेगेटिव चार्ज आर प्लस ए डिस्टेंस पे, पॉजिटिव चार्ज आर माइनस ए डिस्टेंस पे आ गया फ्रॉम दैट पॉइंट जहां हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से आने वाला पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं. ठीक है जनता, गुड ऑसम. होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस, मैंने मेरे फ़ोन पे चेक ही नहीं किया कि क्या चल रहा है, हम लोग कितने अच्छे से विजिबल हैं, कितने अच्छे से विजिबल नहीं है. राइट तो अब पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, तुम बताओ. ओके तो जनता
जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल एट ए इज गोइंग टू बी के क्यू बाय आर माइनस ए, के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए प्लस के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल एट पॉइंट ए, दोनों लिख दिए हम लोगों ने। अब सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, के क्यू अलग कर दो, एलसीएम लोगे तो आर प्लस ए, यहाँ से एक माइनस आएगा एंड दिस इज आर माइनस ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट जनता? तो ये बन गया के क्यू, ओके, के क्यू यहाँ से आर एंड आर गेट कैंसल्ड, ए प्लस ए बिकम्स टू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। न्यूमरेटर में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा क्यू इंटू टू ए लिखा हुआ है, तो बच्चों ये क्यू इंटू टू ए और कुछ नहीं बल्कि डाइपोल मोमेंट है, ठीक है? तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज वी ए। तो एक कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे स्टडी करते हैं बच्चों, और वो कंडीशन क्या होती है? इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो हम बोल सकेंगे कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू आर स्क्वायर ही लिखी जा सकती है, और ऐसे में हम बोल सकते हैं वी ए इज गोइंग टू बी के पी बाय आर स्क्वायर। ये हो गया एक्सिस पे पोटेंशियल का वैल्यू ड्यू टू द डाइपोल, ठीक है एवरीवन? बात समझ में आ गई? पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रहे पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए डायरेक्टली ऐड कर दिया, कोई वेक्टर सम लिखने की कोशिश नहीं की हम लोगों ने, ठीक है जनता? वेरी वेल, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इक्विटोरियल पॉइंट के बारे में। अभी तक पहला पॉइंट क्या था? पहला डिस्कशन हुआ था अबाउट द एक्सिस पॉइंट, एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट। अब डिस्कशन करेंगे अबाउट एन इक्विटोरियल पॉइंट, और इक्विटोरियल पॉइंट क्या होता है बच्चों? एक ऐसा पॉइंट जो डाइपोल के एक्सिस से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करे, तो उस पॉइंट को हम बी डिफाइन कर देते हैं बच्चों, ठीक है? तो अब देखना जरा, अगर मैं दोनों ही चार्जेस से डिस्टेंस की बात करूं, तो पहली बात तो पॉइंट बी जो होगा दैट इज गोइंग टू बी एट अ डिस्टेंस आर, ये दोनों हो जाएंगे ए डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन अंडर रूट, और ये भी हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन अंडर रूट, और दोनों ही पॉइंट चार्जेस पॉइंट बी से इक्विडिस्टेंट हो चुके हैं, राइट एवरीवन? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन अंडर रूट द हाइपोटेनियस डिस्टेंस, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। तो आओ जरा पोटेंशियल लिख के देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या आएगा। पोटेंशियल एट बी जब लिखेंगे तो एक है के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन अंडर रूट, और दूसरा है के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन अंडर रूट, विच मीन्स वॉट जनता? के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन अंडर रूट माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन अंडर रूट, विच टेल्स यू वॉट? इट टेल्स यू दैट पोटेंशियल एट बी इज गोइंग टू बी जीरो। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक हम लोगों ने कंक्लूजन यहाँ निकाल दिया, पोटेंशियल ऑन एनी इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके एवरीवन? पोटेंशियल ऑन एनी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट और इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू दिस डाइपोल इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो। मतलब ये केस लाइन पे तुम इस पॉइंट को कहीं भी कंसिडर कर लो, जो पोटेंशियल आएगा ये पूरी की पूरी लाइन इक्विपोटेंशियल हो गई, समझ गए? होप इट इज क्लियर, राइट, ऑसम। तो ये तो हो गए दो पर्टिकुलर पॉइंट, एक एक्सिस वाला पॉइंट है, दूसरा इक्विटोरियल पॉइंट है,
अब जनरल पॉइंट का सिर्फ एक्सप्रेशन लिख के बता रहा हूँ, तुम्हें वो काम आ सकता है फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मान लो कि हमारे पास में एक पॉइंट है जो यहाँ कहीं पे रखा हुआ है, एंड लेट्स कॉल दैट पॉइंट टू बी सी, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल इज आर, और डाइपोल की एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाता है। तो अगर हम जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना चाहेंगे तो वो एक्सप्रेशन होता है के पी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन ध्यान रख सकते हो, बहुत काम आ जाता है। जब ये पॉइंट सी एक्सिस पे आएगा तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, एट एक्सिस थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री एंड वी सी विल बी इक्वल टू वी ए विल बी इक्वल टू के पी बाय आर स्क्वायर। याद होगा तुम्हें थीटा की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। एट इक्वेटोरियल थीटा का वैल्यू बन जाएगा 90 डिग्री, ये पोजीशन इक्वेटोरियल बनेगी तो 90 डिग्री, एंड वी सी विल बी इक्वल टू वी बी विल बी इक्वल टू 0। ओके एवरीवन, ना यू डोंट नीड टू नोट डाउन बिकॉज मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा इसको इन द फॉर्म ऑफ अ सेशन पीडीएफ। तो ये सारा जो भी नोट्स तुम देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ, दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सेशन पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो उसके लिए, ठीक है जनता। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में। अब तक का डिस्कशन किस चीज़ का था? वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में ऑन द सेम टू पॉइंट्स। पहले तो हम बात करेंगे एक्सिस वाले पॉइंट के ऊपर, फिर बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। तो चलो पहले जाते हैं एक एक्सियल पॉइंट पे, और जो हमारा एक्सियल पॉइंट है बच्चों वो है पॉइंट ए। तुम्हें पता ही है ऑलरेडी कि जो डिस्टेंसेस हम लिख रहे हैं दे आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, तो उस वजह से ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है। अब लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा पास है। तो हम बोल सकते हैं ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जनता। और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी वीक होगी क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा दूर है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बड़ा है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर छोटा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है जनता। तो एट ए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ई ए, तो वो होगा ई प्लस माइनस ई माइनस। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, ये वाला वीकर है, तो इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसा भी चाहो तो लिख सकते हो ई प्लस आई कैप एंड ई माइनस का माइनस आई कैप, मतलब ये माइनस आई कैप में है, ठीक है जनता। तो अब सिर्फ डिस्टेंसेस और डिफाइन कर देता हूँ, आफ्टर दैट वी आर गुड टू गो। तो जनता पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस है आर माइनस ए, और नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस है आर प्लस ए। वो हम थोड़ी देर पहले ऑलरेडी यूज़ कर भी चुके हैं पोटेंशियल के सिचुएशन में। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। यहाँ से लिख देता हूँ के क्यू बाय आर माइनस ए का स्क्वायर एंड माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ ये माइनस साइन नेगेटिव चार्ज की वजह से नहीं आया है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है एवरीवन, होप दिस इज क्लियर। यस जनता, तो बस अब सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ई एट ए के क्यू अलग लिख लिया है मैंने, और स्क्वायर को ओपन करते हुए लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू आर ए माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू आर ए एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। होप दिस इज मेकिंग सेंस। इसका स्क्वायर करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, फिर माइनस साइन है तो इसका जब स्क्वायर ओपन करोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू आर ए होगा, तो माइनस माइनस और फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में तुम देख ही सकते हो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में आर माइनस ए आर प्लस ए उन दोनों को एक साथ लिखा तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। तो जनता ये फैक्टर्स जो कैंसिल हो गए उन्हें अलग कर देता हूँ और बाकी की चीज़ों को अब लिखना शुरू करते हैं।
तो ये बन गया k इंटू क्यू इंटू टू ए इंटू टू आर, टू आर ए प्लस टू आर ए इज फोर आर ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब तुम लोग ही बता सकते हो q इंटू टू ए इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट, सो टू के पी आर डिवाइडेड बाय दिस थिंग, और इसे हम लिख देते हैं एज r टू द पावर 4 अज्यूमिंग आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्यों लिखा है मैंने, हम कंडीशन लेके चल रहे हैं दैट r इज ग्रेटर ग्रेटर देन a, देयर फॉर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर स्क्वायर, इस कंडीशन की हमें ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। यस, तो जनता एक आर को वापस से जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस को मैनेज कर लेते हैं, ये आ रहा है टू के पी आर बाय आर टू द पावर 4 एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मिल रहा है टू के पी बाय आर क्यूब। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, किसी एक्सिस वाले पॉइंट पे आने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन हमें मिल गई है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी 2kp बाय आर क्यूब ऑन दिस पॉइंट। ये इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से क्रिएट हो रहा होगा, ये वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, राइट एवरीवन? या तो हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा विच इज kq बाय आर स्क्वायर जो होता है, फिर नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जो इस डायरेक्शन में है, तो उसका भी kq बाय आर स्क्वायर लिखा, लेकिन r का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, तो डिस्टेंस है इस वाले चार्ज के लिए डिस्टेंस है r माइनस ए, और नेगेटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस है r प्लस ए, तो अकॉर्डिंगली लिखा। दोनों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, kq को बाहर लिया, LCM लिया और सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, तो डिनोमिनेटर में जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसके लिए हमने ये कंडीशन यूज़ की है बच्चों, यहाँ पे दैट दिस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का जब स्क्वायर होगा तो आर टू द पावर 4 बनेगा, 1r गेट्स कैंसल्ड, डिनोमिनेटर बिकम्स आर क्यूब, ठीक है एवरीवन? वेरी नाइस, सो दिस इज व्हाट इज द एक्चुअल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चलते हैं और इक्वेटोरियल पॉइंट पे आते हैं अब, तो जनता अब इक्वेटोरियल पॉइंट की लोकेशन पे आ जाते हैं, और एक पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया, से दिस पॉइंट इज बी, ओके। तो अब फिर से अगर मैं बात करूं दोनों ही चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आई होप तुम्हें याद होगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस दूर जाती हैं, सबको याद है, और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पास आती हैं, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आ रही होती हैं, तो देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड लाइंस दूर जानी चाहिए, तो ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज ई प्लस, और ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विच इज ई माइनस। अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो इन दोनों का ही जो रिजल्टेंट है वो थीटा एंगल ईच बनाने वाला है बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, तो बच्चों इनका जो रिजल्टेंट है ई बी, तुम खुद देख सकते हो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स जिनके मैग्नीट्यूड अगर ई डिफाइन कर दिए जाएं, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ही आएंगे। उसका रीज़न क्या है कि अगर ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस ए है, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन अंडर रूट है हाइपोटेनियस, अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया हम लोगों ने, इन केस ऑफ पोटेंशियल यूज़ कर चुके हैं हम लोग, ओके यस। तो जनता ई प्लस का मैग्नीट्यूड ई माइनस के बराबर है, और वो मैग्नीट्यूड है के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना हमें। तो अब तुम खुद देख सकते हो बच्चों दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी है, वो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, उससे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज गोइंग टू बी ई स्क्वायर
प्लस ई स्क्वायर प्लस टू इंटू ई इंटू ई वैसे भी लिख सकते हो, बट आई डोंट प्रेफर टू राइट इट लाइक दैट. मैं उससे भी इजी तरीके से लिख देता हूँ दैट इट इज टू ई कॉस ऑफ थीटा. ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? जो कॉस कंपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, इसका भी कॉस कंपोनेंट, इसका भी कॉस कंपोनेंट, और दोनों के साइन कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे. ओके, बात समझ में आई? या ओके, यस. ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंट पे हैं फ्रॉम पॉइंट पी. पॉइंट पी जो है वो इक्विडिस्टेंट हुआ दोनों ही चार्जेस से, तुम्हें वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होना चाहिए. तो भाई लिखो, ये होता है 2KQ बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस राइट एंगल ट्राइंगल से कॉस थीटा हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस विच इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ. तो जनता K इंटू क्यू इंटू टू ए न्यूमरेटर में आ गया और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो गई, देख सकते हो. तो फिर से अगर R वेरी वेरी ग्रेटर देन A, मतलब ये पॉइंट बहुत दूर चला जाए, दिस इज योर R पॉइंट, है ना, पॉइंट अगर बहुत दूर चला जाए तो हम बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू आर स्क्वायर है. ठीक है एवरीवन, बात समझ गए? राइट एवरीवन, तो यहां पे भी रिप्लेस करता हूं और क्यू माइनस क्यू इंटू टू ए ये और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा डायपोल मोमेंट है, और डिनोमिनेटर बन गया आर स्क्वायर पावर 3/2. और पावर 3/2 लिखने का मतलब ये है कि हम यहाँ से पावर को जब रीअरेंज करके लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी आता है के पी बाय आर क्यूब. अगर तुम्हें एक्सेस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड याद है आर डिस्टेंस पे, तो वो आया था 2KP बाय आर क्यूब, और उतने ही डिस्टेंस पे अगर तुम इक्वेटोरियल पॉइंट पे गए, इक्वेटोरियल लाइन पे गए, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा KP बाय आर क्यूब, उसका आधा मिलेगा एट द सेम डिस्टेंस. अगर डायपोल की एक्सेस पे आर डिस्टेंस पे जाओगे सेंटर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2KP बाय आर क्यूब, लेकिन अगर इक्वेटोरियल लाइन पे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड KP बाय आर क्यूब आता है. ठीक है एवरीवन, कैन आई हैव प्लस वन इन द चैट बॉक्स? बहुत बढ़िया, तो ये एक्सप्रेशंस हमारे सामने हैं, ये ऑन द एक्सिस 2KP बाय आर क्यूब और ये हो गया KP बाय आर क्यूब. बहुत बढ़िया, और अब एक जनरल पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्रेशन बस लिखेंगे, नॉट डेलिबरेटली नॉट डूइंग द डेरिवेशन. ओके जनता, सी पॉइंट है एक, थीटा एंगल बनाता है, आर डिस्टेंस पे है. ये वाला एक्सप्रेशन अगर याद रख सको तो बहुत काम आता है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज के पी बाय आर क्यूब एंड इन अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, इफ यू कैन रिमेंबर, कैन बी वेरी हेल्पफुल डायरेक्टली इन एग्जामिनेशन, डायरेक्टली हेल्प करेगा एग्जाम में अगर आ गया तो. ओके या सो एवरीबॉडी एट एक्सिस थीटा इज 0° और 180°. जब यहां पुट करोगे तो वैल्यू मिलेगी 1+3 × 1, तो √4 होता है 2. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विच इज इक्वल टू 2KP बाय आर क्यूब, एंड एट इक्वेटोरियल थीटा का वैल्यू होता है 90°. तो ई सी बन जाएगा इक्वल टू ई बी और वो वैल्यू आएगी KP बाय
आर क्यूब, क्योंकि थीटा 90 पुट करते ही रूट का वैल्यू 1 बचेगा। ओके ओके ऑसम। तो भाई ये हैं हमारे डेरिवेशंस जो हमें काम आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी कभी। अब आते हैं थोड़े रिलेटिवली लाइट टॉपिक्स के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, हमारे डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे। अब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में चला गया, अब तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्लेसिंग माय डाइपोल इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ। तो जैसे ही मैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूंगा, देखते हैं उसके साथ क्या होता है। तो तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें बताया हुआ है, दैट दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये जो फोर्स है पॉजिटिव चार्ज पे वो क्यू इंटू ई आ गया, और जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स है वो चार्ज पे भी फोर्स आ गया क्यू इंटू ई। तो ये दोनों ही फोर्सेस जो हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो गए क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं और दोनों ही चार्जेस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। सो दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय बोथ ऑफ देम कम्स आउट टू बी क्यू इंटू ई। यू विल सी एवरीवन, ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो एफ नेट ऑन द डाइपोल, ओके, एफ नेट ऑन द डाइपोल कम्स आउट टू बी जीरो इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल कम्स आउट टू बी जीरो। पर अगर टॉर्क की बात करूं अबाउट दिस एक्सिस, तो टॉर्क जीरो नहीं आएगा, और यही चीज तुम्हें नोटिस करना है। तो देखो जरा इस फोर्स के लिए मैं क्या करता हूं, इन एट द मोमेंट माय डाइपोल इज अलाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। मेरा डाइपोल इस समय थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो जो ये फोर्स तुम देख रहे हो बच्चों, इसके दो कंपोनेंट्स हम बना लेते हैं। एक आ जाता है एफ साइन थीटा और एक आ जाएगा एफ कॉस थीटा। सिमिलरली यहां पे भी एक आ गया एफ साइन थीटा और एक आ जाएगा एफ कॉस थीटा। क्या तुम मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स पे, इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट साइन या कॉस रोटेट कर पाएगा अपने डाइपोल को? Which of these two will be able to rotate the dipole? इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो डाइपोल को रोटेट करने में सक्सेसफुल होने वाला है, एफ साइन थीटा या एफ कॉस थीटा? ध्यान से अगर देखोगे तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, आई होप ये सबको दिखाई दे रहा होगा। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है और ये भी टेंजेंशियल कंपोनेंट है, जबकि ये रेडियल कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा। तो ऐसा एक रोटेशन पॉसिबल है, तो एफ साइन थीटा इज द वन विच इज गोइंग टू डू द जॉब, एफ कॉस थीटा इज नॉट गोइंग टू डू द जॉब। ठीक है एवरीवन? और दोनों कितने डिस्टेंस पे लग रहे हैं ये तो हमें बताइए। दोनों ही ए डिस्टेंस पे एक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन ए ओ आर। ठीक है, तो आ जाओ जरा अब टॉर्क लिखा जाए। टॉर्क का एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी द फोर्स एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ए, बट फोर्स का भी कौन सा कंपोनेंट है, साइन थीटा कंपोनेंट। तो एफ साइन थीटा एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ए, और ऐसे दो कंपोनेंट्स कर रहे हैं। एक तो ये एफ साइन थीटा ए डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और दूसरा एफ साइन थीटा इंटू ए। दोनों ही दे बोथ आर डूइंग द सेम जॉब। थैंक यू, यस एब्सोल्युटली राइट बुशरा, प्रणव एंड विजय राज, वेरी वेल। तो जनता ये हो गया 2 इंटू एफ इंटू ए इंटू साइन थीटा टॉर्क का वैल्यू। डायरेक्शन बता सकते हो इस सिचुएशन में, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी, गोइंग इंटू द प्लेन और कमिंग आउट ऑफ द प्लेन? चैट बॉक्स पे बताओ। सो 2 इंटू क्यू इंटू ई ए साइन थीटा, और अगर रीअरेंज करूं तो ये बनता है 2, समझ गए होंगे, q इंटू टू ए इंटू ई साइन थीटा। एंड व्हाट्स q इंटू टू ए, वी ऑल नो दैट। तो टॉर्क हो जाता है p इंटू ई इंटू साइन थीटा। ओके, और वेक्टोरियली अगर लिखने जाऊं तो p क्रॉस ई। ये है
final expression of the torque experienced by the dipole in an external electric field. Yes, everyone. तो rotation clockwise है, तो into the plane of the paper है. Rotation clockwise होने वाला है dipole का, because of f sin theta ऐसा rotation होगा, which is clockwise. और जब हम bottle के cap को, जब हम bottle के cap को clockwise घुमाते हैं, तो cap अंदर जाता है. Screw को जब हम लोग clockwise घुमाते हैं, तो अंदर जाता है. तो बिल्कुल वही situation है यहाँ पे भी. Right everyone, into the plane. Absolutely right everybody. तो एक बार यहाँ पे लिख के दिखा दिया जाए कि हो क्या रहा है. ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये है डायरेक्शन ऑफ थीटा, और अदर एंगल का वैल्यू है थीटा. तो हम लिख सकते हैं पी क्रॉस ई इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. ठीक है जनता, ऑब्वियसली यूनिट्स वगैरह सब पता ही हमें. सेकेंड थिंग इज, अगर हम डाइपोल की बात करें, तो डाइपोल जब टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करके एक्चुअली कहीं तो आना चाहता है और रुकना चाहता है. हमेशा इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ जब फोर्स और टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, तो इवेंचुअली वो एक स्टेबल पोजीशन पे आने की कोशिश करती है. और यहाँ पे भी हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन होने की कोशिश करना चाहता है, ऐसे होना चाहता है. ऐसा तब जब उस पर लगने वाला टॉर्क ज़ीरो आ जाए. और आई शुड से दैट इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब नेट फोर्स एक्टिंग एंड नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो. वी नो दिस फ्रॉम द चैप्टर्स ऑफ मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मोशन एंड रोटेशन मोशन. इन दोनों चैप्टर में हम ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम स्टडी कर चुके हैं. तो यहाँ पे हमारा जो डाइपोल है वो भी अलाइन होना चाहता है इन दैट पोजीशन जहाँ पे उस पर लगने वाला टॉर्क जीरो हो जाए, जब पी और ई दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाए. यानी कि ये वो पोजीशन होगी जहाँ पे मेरा डाइपोल सबसे स्टेबल होगा. एंड आई होप दैट एवरीवन नोज दैट स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल एनर्जी. जिस भी सिस्टम के पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अनस्टेबल होता है. राइट एवरीवन, तो आएंगे उस पर. फिलहाल बात करते हैं पहले पोटेंशियल एनर्जी के ही बारे में. अगर मान लो स्टेबल पोजीशन से हम डाइपोल को ऐसे रोटेट करें, तो ऑब्वियसली हम एज एन एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द स्टेबिलिटी काम कर रहे हैं. और अगेंस्ट द स्टेबिलिटी काम करने में एज एक्सटर्नल एजेंट यू हैव टू पुट एफर्ट्स, यू हैव टू स्पेंड एनर्जी, एंड दैट एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो मान लो हम हमारे डाइपोल को कुछ डी थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं. जब हम उसे डी थीटा एंगल से रोटेट करते हैं बाय अप्लाइंग अ टॉर्क, तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विच इज ऑल्सो इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी टाउ डी थीटा. और इसका एक इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा वर्क कैलकुलेट हो जाएगा इफ वी आर टेकिंग इट फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू. ओके, तो टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखना चाहते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, एंड दैट इज पी ई साइन थीटा डी थीटा. और उसमें भी पी और ई तो कांस्टेंट है, थीटा वन से थीटा टू साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हमें करना है. ठीक है जनता, तो देखो पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन की लिमिट है थीटा वन से थीटा टू. तो ये आ जाता है माइनस पी ई कॉस थीटा टू एंड माइनस ऑफ माइनस पी ई कॉस थीटा वन. ओके एवरीवन, तो ये हुआ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और वी कैन ऑल्सो से कि ये है हमारा डेल्टा यू. और उस पे भी अगर मान लो, ध्यान देना इस बात पे, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो ये ज़ीरो हो जाएगा जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे अलाइंड है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और डाइपोल ऐसा है, तो लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी. और अगर थीटा टू की जगह मैं थीटा लिखूँ, तो इस पोटेंशियल एनर्जी को यू डिफाइन कर सकते हैं. तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा, और ये वैल्यू बन जाती है ज़ीरो. तो मैं लिख सकता हूँ इसे माइनस ऑफ पी डॉट ई. दैट इज़ द एक्सप्रेशन
ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, यस एवरीबॉडी, वेरी वेल. तो आई होप सबको समझ में आ गया है. तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और वो वैल्यू होगी माइनस ऑफ पीई, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा. तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0 और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, जो कि मिनिमम नहीं है क्योंकि माइनस ऑलरेडी एक और वैल्यू उससे छोटी आ चुकी है. 180 डिग्री पे कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस 1 और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम और ये वाला वैल्यू आएगा प्लस पीई. तो जनता, कहने वाली बात यह है कि ये जो पोजीशन है इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. यहाँ पे टॉर्क ऑब्वियसली 0 आएगा जब तुम पुट करोगे टॉर्क के एक्सप्रेशन में, और यहाँ भी टॉर्क 0 आएगा, बट ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्योंकि एक बार यहाँ से डिस्टर्ब किया तो वापस से डाइपोल 180 डिग्री वाली पोजीशन पे खुद नहीं आएगा, वो हमेशा जाना चाहेगा. ओके, इसीलिए हमेशा जाना चाहेगा इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर. होप दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस. और ये भी बता देता हूँ कि ये वो पोजीशन है जहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, वो होगा पीई के बराबर. ये वो वाला पोजीशन है जब टॉर्क मैक्सिमम होगा, बाकियों में टॉर्क 0 आएगा. ओके, यहाँ पे टॉर्क 0 और यहाँ भी टॉर्क 0 इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है. ओके जनता, तो आई गेस आज की हमारी पूरी थियरी यहाँ पे रैप अप होती है. अब फटाफट से एग्जांपल्स देखते हैं और फिर तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा. तो ये है हमारा आज का पहला सवाल. इसमें हमें बताया है कि 6 नेगेटिव चार्जेस हैं और वो 6 के 6 नेगेटिव चार्जेस हम लोगों ने यहाँ अरेंज करके रखे हुए हैं. ठीक है, ये माइनस क्यू चार्जेस हैं जो यहाँ अरेंज करके रखे हुए हम लोगों ने. क्वेश्चन में बोला है कि सेंटर पे हम लोगों ने एक 6Q चार्ज प्लेस कर दिया है. तो पता लगाओ कि हेक्सागन की शेप में अगर रखा है हम लोगों ने तो नेट इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होना चाहिए. तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 6+Q चार्जेस हैं वो हर एक नेगेटिव चार्ज के साथ में डाइपोल्स क्रिएट कर रहे होंगे. ओके जनता, या तो देखो डायगनली अपोजिट चार्जेस जो हैं, या रादर डायगनली अपोजिट डाइपोल्स जो हैं, वो ऑब्वियसली एक दूसरे को कैंसिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये सबको समझ में आ रहा है? तो मुझे क्विकली बता दो, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेट डाइपोल मोमेंट हियर? व्हाट्स गोइंग टू बी द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इन दिस केस? बोल सकते हैं, सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं. यस जनता, एब्सोल्यूटली राइट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. अगले सवाल पे जाते हैं. इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन एज शोन इन द फिगर, पता लगाना है हमें क्या बताया, प्लस माइनस 3Q चार्ज और बचे हुए 3+Q चार्जेस हैं. तो ऑब्वियसली 3 डाइपोल्स क्रिएट होते हैं. अगर ये दोनों डाइपोल की स्ट्रेंथ इक्वल है, मान लो पी है, तो यहाँ पे आने वाला जो डाइपोल है उसकी वैल्यू √2p आ जाएगी. वाई? बिकॉज पी जो है वो q into a है और जो p' है, p' जो है वो q into √2a है. तो वो वैल्यू ऑब्वियसली √2 times p आ गई. तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, ये 2 p वेक्टर्स हैं और इन दोनों का ही रिजल्टेंट √2p है. और इनके अलावा, ओके, इनके अलावा मैं इसका कलर कोड चेंज करता हूँ ज़रा, तो तुम समझ जाओगे कि वॉट सूरी सर इज़ ट्राइंग टू डू हेयर. ये वाला साथ में एक और वेक्टर है जो √2
पी है. सो दिस इज योर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द डाइपोल मोमेंट, ये जो है. तो पी नेट इज रूट टू पी प्लस रूट टू पी, मतलब टू रूट टू इन टू पी, सो दैट इज टू रूट टू क्यू ए. सो टू रूट टू क्यू ए इज द करेक्ट आंसर, राइट एवरीवन. तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हियर. वेरी वेल, आगे चलते हैं. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द क्वेश्चन टेल्स अस दैट एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू एन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10^4. इट एक्सपीरियंसेस द टॉर्क ऑफ 10√2. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. तो यार सबसे पहले तो टॉर्क होता क्या है, पी ई साइन थीटा, और ये वैल्यू हमें दे रखी है 10√2. तो यहाँ से हम पी ई का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 × 10√2, है ना. साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, तो ये वैल्यू बन गई 20√2. तो अब पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से इज पी ई कॉस थीटा. सारे वैल्यूज पॉजिटिव दिए हैं इसलिए, ठीक है. तो पी ई का वैल्यू हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, विच इज 20√2, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो ये आ जाता है 10√6. अब अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो, √4 जो है वो 2 होता है, तो ये √4 भी होता तो 20 आता, है ना. तो 20 से छोटे वैल्यूज तो आंसर होने से रहे. √9 होता तो 3 आता, तो 30 आता, मतलब इतना बड़ा भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है. समवेयर 20 और 30 के बीच में वो वैल्यू आएगी, एंड दैट्स व्हाई दैट वैल्यू इज 24.5 जूल्स. तुम्हें √6 का वैल्यू याद होने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए, ना ही कैलकुलेट करने की ज़रूरत थी. मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया कि वाई योर आंसर्स आर नॉट गोइंग टू बी ऑप्शन ए बी एंड सी. समझ में आ गई सिचुएशन सभी लोग. वेल डन, क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी. एक और सवाल देखते हैं. इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्ज ईच सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम टॉर्क इज गोइंग टू बी हाउ मच. तो टाउ मैक्स जो होता है वो तो पी इंटू ई के बराबर होता है, विच इज क्यू इंटू टू ए इंटू ई. चार्ज है 2 × 10⁻⁶, 2a का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 × 10⁵. तो बस कैलकुलेशंस कर देनी है और कुछ नहीं. तो 4 3s are 12 एंड 10⁻⁸, 10⁵, तो वैल्यू आ गई 12 × 10³ न्यूटन मीटर. दैट्स द मैक्सिमम टॉर्क, 12 × 10⁻³. ओके सर, अगर MCQ के ऑप्शन नहीं है तो नहीं है, तो मतलब ऑप्शंस तो होंगे ना, MCQs हैं. ओके नेक्स्ट वन, फिर से हमारे पास में जो चार्जेस हैं, एक है −2Q चार्ज, यहाँ पे Q है और यहाँ पे भी Q है, और L डिस्टेंस अपार्ट है. तो हमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेट डाइपोल मोमेंट. तो देख सकते हो यहाँ से एक डाइपोल बनेगा, इसमें ना दो चार्जेस की तरह ट्रीट कर लेते हो तुम, एक यहाँ −Q है और एक यहाँ −Q है. तो दोनों अपने अपने पॉजिटिव चार्जेस के साथ में डाइपोल्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है जनता. तो ये भी पी डाइपोल मोमेंट है, ये भी पी डाइपोल मोमेंट है, और दोनों ही डाइपोल्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की सिचुएशन है. तो एवरीवन, पी नेट विल बी p² + p² + 2p² कॉस ऑफ 60 डिग्री इन अंडर रूट हो जाएगा, राइट एवरीवन.
Okay, Chinta. So this is p square plus p square, which is 2p square. Cos 60 degree ka value half. So 2 or 2 cancels in under root. So 3p square in under root, which is root 3p. Okay, so ye hua root 3p and direction is minus j cap. So that's why minus root 3ql j cap. Minus j cap is the direction. Okay. Sir, matlab agar ye 2 marks ke question ke roop mein aaya to root 6 ko calculate vagaira nahi karna kya? Haan, obviously tab बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा ऑब्वियसली, और बोर्ड एग्जामिनेशन में तुम्हें लॉग टेबल यूज़ करना अलाउड होता है, तो लॉग टेबल की हेल्प से तुम उसे सॉल्व करके बताओगे कि रूट सिक्स का वैल्यू क्या है. ओके, जेई में तो ऐसा होगा नहीं, जेई में ऑप्शंस होंगे ही होंगे. चलो नेक्स्ट वन. एन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड इलेक्ट्रिकल डाइपोल इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद इट. द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज गिवन. सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल. तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है माइनस पी ई कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है. तो डाइपोल मोमेंट है 10 टू द पावर माइनस 29, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 टू द पावर 3, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और 1/√2 होता है 0.707. ये हमेशा याद रखोगे तो काम आता है. जैसे LN2 का वैल्यू 0.693 होता है, बिल्कुल उसी तरीके से. सो इनटू 10 टू द पावर माइनस 26 हो गया, तो लिख सकते हैं माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 जूल्स. ये अपना आंसर है, माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 जूल्स, एंड दैट्स आर आंसर ऑप्शन बी. ओके, यस प्रणव, आई होप यू गॉट इट. एंड विद दिस वी अराइव एट द होमवर्क क्वेश्चन. बहुत ही सुंदर क्वेश्चन तुम्हारे लिए ढूंढ के लाया हूँ मैं. दो इलेक्ट्रिकल डाइपोल हैं जिनके मोमेंट हैं पी एंड 64p, एंड दोनों ही अरेंज्ड हैं एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर्स पे. इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहीं तो एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल इज जीरो. लेट्स कॉल दैट पॉइंट टू बी ए. और मान लो कि वो पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस डाइपोल, तो पता लगाना है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा. ओके, तो ऑब्वियसली तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व करके मुझे कहाँ बताओगे, तुम मुझे बताओगे कमेंट्स में. तो कमेंट बॉक्स में बताना, साथ में क्या बताना, अपना नाम क्या है वो बताना, कौन सी सिटी को बिलोंग करते हो वो बताना, और क्या प्रिपेयर कर रहे हो, जेई प्रिपेयर कर रहे हो, नीट प्रिपेयर कर रहे हो, या बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, या कुछ और है, वो भी ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स बॉक्स में. ठीक है एवरीवन. ऑब्वियसली अगली क्लास में हम आंसर भी डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जितने लोगों ने सही आंसर किया होगा उनके नाम भी हाईलाइट करेंगे सेशन के दौरान. राइट एवरीवन, तो आई होप आज के सेशन में भी मज़ा आया होगा. होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन विद मी टुडे. अगर मेरे साथ और पर्सनलाइज लेवल पे जुड़ना चाहते हो, मुझसे पढ़ना चाहते हो, वेव प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो, तो एक बहुत ही सुनहरा मौका तुम्हारे सामने है. बहुत ही अफोर्डेबल तरीका भी है वो, और वो है AI लाइव बैच. आई होप सबने AI लाइव बैच के बारे में सुना हुआ है. ये है ऑगमेंटेड इंटरैक्टिव लाइव बैच. ऑगमेंटेड है मतलब ये कि यहाँ पे सेशन में आप मुझसे पढ़ रहे होंगे फिजिक्स, कालिया सर से पढ़ रहे होंगे मैथमेटिक्स, और मोहित सर से पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री, और इस दौरान आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो लाइव क्लास में डिस्कस किए जा रहे होंगे. ठीक है, हमारे पढ़ाए हुए सेशंस डेफिनेटली वहाँ पे आपको मिलेंगे, और आपके जितने भी डाउट्स होंगे, क्विजेज होंगे, हॉटस्पॉट होंगे, टेस्ट होंगे, वो सब आप लाइव कंडक्ट हमारे साथ में लाइव कंडक्ट होते हैं, आप उसे पार्टिसिपेट करते हो सेशन में. ठीक है, उसी तरीके से JEE का जो इंग्लिश बैच है उसमें शिमोन सर मैथमेटिक्स है, श्रेयस सर आपके फिजिक्स के टीचर रहेंगे, और हर्ष सर आपके केमिस्ट्री के टीचर रहेंगे, आपके कैप्टन.
यही नहीं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे यूट्यूब के जो टीचर्स हैं वही तुम्हें नीट में भी पढ़ाने वाले हैं. सो दीज आर योर टीचर्स फॉर नीट प्रेपरेशन, विपुल सर. ओके, यहाँ एक करेक्शन है बच्चों, विपुल सर फिजिक्स के टीचर हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं मेरे. ओके, सो विपुल सर फॉर फिजिक्स, ऋषिभा मैम ऑल्सो फॉर फिजिक्स, वानी सूद मैडम एज यू ऑल नो बायोलॉजी, भूमिका मेहता मैडम फॉर बायोलॉजी एंड तरुण शर्मा सर फॉर केमिस्ट्री. ओके, सो दिस इज भूमिका मैम एंड दिस इज तरुण सर. ओके, सिमिलरली अगर आप नीट इंग्लिश बैच में आओगे तो वहाँ शिवांश सर हैं, जीसस, वी कॉल हिम जीसस फॉर फिजिक्स, वी हैव हेमिन रॉय सर फॉर केमिस्ट्री, तरुण शर्मा सर ऑल्सो फॉर केमिस्ट्री एंड दीनू सर, दिनेश तलरेजा सर हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, ये तुम्हें बायो पढ़ाएंगे अलॉन्ग विद अंबिका मैडम. ओके जनता, तो देखो भाई कंपैरिजन तुम खुद से करके देख सकते हो इंस्टेड ऑफ मी टेलिंग यू. इन जनरल जो आपको अवेलेबल कोर्सेज मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम वेदांतु, वहाँ पे यूजुअली आपको रिकॉर्डेड सेशंस इन द फॉर्म ऑफ सीडीज, पेन ड्राइव्स दे दिए जाते हैं और आप उसे अपनी स्पीड पे अपने हिसाब से पढ़ते हो, देखते हो और अगर कोई डाउट आ गया तो फिर वेट करते हो कि शायद कभी कोई चमत्कार हो, कोई मुझे डाउट्स बताए, या फिर आप आते हो वेदांतु प्लेटफॉर्म पे, डाउट ऐप यूज़ करते हो. लेकिन यहाँ पे इन AI लाइव सेशंस यू आर गोइंग टू गेट योर लेक्चर शेड्यूल, आप देखोगे वो हमारे साथ में और उस दौरान क्लास की रिकॉर्डिंग्स तो प्ले होंगी लेकिन क्लास में डाउट्स लाइव सॉल्व होते हैं. क्लास के दौरान आप जितनी भी इंटरेक्शंस हैं वो लाइव करते हो, क्लास के नोट्स आपको मिलते हैं, असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं, टेस्ट आप देते हो, रिवीजन आपका होता है, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है. तो ये सारी चीज़ें अ बिग येस ऑन वेदांतु. तो जनता अगर आप JEE या नीट 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑलरेडी बैचेस के बारे में मैंने बता दिया है आपको और यहाँ पे क्लास ऑलरेडी 14 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, नवंबर में तो अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा, 12th और 11th का रिवीजन करेंगे दिसंबर और JEE मेन और नीट आने तक. प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो जनरली बच्चों के लिए तकलीफ रहती थी तो क्रैश कोर्स से भी रीजनेबल प्राइस में आपको अवेलेबल है पूरे साल भर की पढ़ाई. राइट एवरीवन, तो आपकी पूरी 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई, उसके साथ में आपका 11th और 12th का रीकैप, रिविजन और जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जस्ट फॉर ₹4,500. राइट एवरीवन, अगर ये 10 महीने भी हमने इस्तेमाल किया तो ₹450 पर मंथ के हिसाब से मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी JEE या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. अगर फिर भी क्वेरीज हैं बच्चों तो ये नंबर आप स्टोर करके रख लो और इस नंबर पे अगर आप ये मैसेज टाइप करके भेजते हो दैट यू हैव वॉच्ड दिस सेशन ऑफ सूरी सर एंड दैट्स व्हाई यू वांट टू इंक्वायर कि भाई इस AI लाइव बैच में क्या होता है, कैसे होता है, शेड्यूल क्या रहता है, मुझे कब क्लास अटेंड करनी है, कितने रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, नोट्स क्या क्या मिलेंगे, असाइनमेंट क्या क्या मिलेंगे और पता नहीं क्या क्या डाउट्स आपके दिमाग में, तो आप बस इस नंबर पे WhatsApp पे ये मैसेज लिख के भेज दो. ठीक है, जैसे कि माई नेम इज़ राइट नाउ क्लास में आई कैन सी अभी यादव, तो अभी यादव जो है वो अगर मैसेज लिखे तो माई नेम इज़ अभी, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, I am the family of maybe JEE or NEET, I don't know as of now. तो ये लिख के पूरा पूरा मैसेज आप टाइप करो और आप भेज दो WhatsApp के ऊपर. मेरी पर्सनल बैकएंड पे जो टीम है, my own team of counselors, they are going to get back to you. वो आपको खुद कॉल करेंगे और आपके सारे क्वेरीज का आंसर करेंगे. ओके जनता, तो टेंशन अगर है तो उसे रिजॉल्व करेंगे और सही कोर्स चूज करेंगे. ठीक है, उसके अलावा इस चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें कि चैनल वी मैथ से अब नई इमेज में आ गया है एंड दैट इज़ वी कॉम्बो. हु एम आई? मुगैम्बो. व्हाट्स द चैनल? वी कॉम्बो. ठीक है, तो ये स्कैन कर लो और डायरेक्टली तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे सारे नोट्स और शेड्यूल आपको हर रोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, और एक ज़रूरी सूचना है नीट के स्टूडेंट्स के लिए, इस साल आप नीट एक लव्य बैच का पार्टिसिपेशन अगर चाहते हो तो 2 मई को
यस 2 मई को नीट एकलव्य बैच का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है बच्चों, डेट नोट डाउन करके रख लो, और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, यू आर गोइंग टू गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू विल रिक्वायर टू गेट द टॉप रैंक इन नीट एग्जामिनेशन, ठीक है जनता। सो ऑल यू हैव टू डू इज गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फाइंड द लिंक फॉर नीट एकलव्य, क्लिक रजिस्टर एंड अपेयर ऑन 2 मई फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है जनता। तो आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा आज के सेशन में एज यूजुअल। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर वी कॉम्बो पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना, और हमेशा नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाएगा जब कभी भी मोगैम्बो वेलकम लाइव ऑन वी कॉम्बो। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून। इस सेशन का PDF भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आंसर तुम्हें करना है कॉमेंट्स में। अगली बार मिलेंगे और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, लव यू ऑल।